हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जो आपका आठवां अध्याय है सामाजिक विज्ञान का। तो देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण, एक शहर है बेटा, एक नगर है जिसे वर्तमान में पांडुचेरी कहते हैं, मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में। अरिकामेडु यानी पांडुचेरी, वर्तमान पुराना नाम अरिकामेडु, वर्तमान का नाम है पांडुचेरी, जो दक्षिणी भारत में बेटा ढूंढे। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ें। लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले जो पांडिचेरी एक पतन था, पतन होता है समुद्री पतन, पहले भी हमने आपको इस बारे में बताया, जिसे हम कहते हैं बंदरगाह, जहाँ दूर दूर से जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और चढ़ाया जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, खुदाई के दौरान यहाँ पर ईंटों से बना एक क्या मिला है बेटा, ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अर्थात यहाँ पर जो सामान को क्या किया जाता बेटा, इकट्ठा किया जाता था, जो आयात निर्यात होता था, जो व्यापार होता था, उस वस्तुओं को सामान को क्या किया जाता है यहाँ पर बेटा, इकट्ठा किया जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंकोरा जैसे पात्र मिले हैं, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हल्के हत्थे लगे हैं, जो डब्बे होते थे। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर में के नाम पर एरेंटाइन के नाम के पत्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर जो है बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी खुदाई के दौरान या पुरातत्वविदों को ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, यानी जैसे लगते हैं अर्थात ये बर्तन कहाँ बने होंगे, रोम में बने होंगे, किंतु ये यहाँ नहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी खुदाई के दौरान मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आज का ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आगे हम इसके बेटा उत्तर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, आप अपनी किताब में निकाली पहला प्रश्न है, आओ याद करें। तो इसमें है खाली जगहों को भरें। तो पहला है, तमिल के बड़े भूस्वामी को कहते थे, तो आप अपनी किताब में भरिए बेटा, तमिल के जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें क्या कह लेते हैं, वेल्ला कहते थे, जिनके पास बड़ी यानी ज़्यादा भूमि थे या भूमि के जो जागीरदार जो लोग थे उन्हें वेल्ला कहते थे। अगला क्वेश्चन है बेटा खालिस्तान का, खैर ग्राम भोजकों को जमीन पर प्राय द्वारा खेती की जाती थी, ग्राम भोजकों की जमीन पर खालिस्तान किसके द्वारा खेती की जाती, तो इसमें आएगा दास और मजदूरों के द्वारा इसमें जो है खेती की जाती थी। उसके बाद है तमिल में हलवाए को, हलवाई होता है हलवाई, हलवाई को क्या कहते हैं, उनवार कहते थे। ये ध्यान रखना, आपके पेपर में आ सकता है उनवार क्या होता है, तो उनवार होता बेटा हलवाई होता है, ठीक है। उसके बाद है अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे, स्वतंत्र और छोटे भूस्वामी होते थे, ठीक है। अब अगला है ग्राम भोजकों के काम बताइए और शक्तिशाली क्यों थे। तो देखिए, तो बेटा जो ग्राम भोजक थे अर्थात जिन्हें गांव का प्रधान बना दिया गया था, उनके पास एक तो बहुत ज़मीन होती थी, उन ज़मीन पर जो दास मजदूर जो कार्य करते थे, एक दूसरा इसलिए वो शक्तिशाली होते थे क्योंकि जो अंग्रेज़ जो हैं लगान वसूलने का कार्य जो है उनको ही देते थे, अर्थात जो भोजक जो लोग होते थे ग्राम भोज, वे जो लोग हैं गांव वाले लोगों से लगान वसूलने का कार्य करते थे। उसके बाद इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं, जो ग्राम भोजक थे वो कभी कभी पुलिस का कार्य भी करते थे, ठीक है। उसके बाद अपना सही जवाब ढूंढे। तो कह रहा है ये वल कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो वलकूप यानी इसका उपयोग बेटा जो जल निकास के लिए, जो गंदा पानी निकालने के लिए इसमें किया जाता, तो इसमें आएगा ऑप्शन नीचे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, जल निकास के लिए किया जाता था।
आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के, सोना, टीन या हाथी दांत के होते थे? तो जो आहत सिक्के होते थे बेटा वो चांदी के बने होते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मथुरा महत्वपूर्ण था, गांव था या पतन था या धार्मिक केंद्र था या जंगल प्रदेश था? तो बेटा गांव तो था ही नहीं, पतन वो भी नहीं था क्योंकि समुद्र किनारे नहीं है ये, और धार्मिक केंद्र तो इसमें आपका आ जाएगा धार्मिक केंद्र, क्योंकि कृष्ण की एक जन्म स्थली रही है, हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लीला जो है अपनी अनेक जो है धार्मिक कार्य किए हैं भगवान कृष्ण के, हम कह सकते हैं उन्होंने पहाड़ को उठाया था, और जो केंद्र है ये धार्मिक केंद्र, आस्था का केंद्र है ये मथुरा। उसके बाद श्रेणी, तो इसमें शासक, शिल्पकार, कृषक या पशुपालकों का संघ, तो इसमें आ जाएगा शिल्पकार, इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पाठ, अगला पाठ हम कल करेंगे। धन्यवाद।